हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ जीपी एंड जीपी पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन। तो जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं, इस चैनल पे बेसिकली क्लास 9th, 10th, 11th एंड 12th के जेई के कंटेंट डाले जाते हैं। अगर कोई 8th का बच्चा जो इंटरेस्टेड है वो क्लास 9th एंड 10th का कंटेंट पढ़ सकता है। जैसे ही तुम होम पेज पर आओगे और नीचे जाओगे, तुम्हें यहाँ पर दिखेगा अपलोड्स, जहाँ पर बेसिकली जो भी नए वीडियो अपलोड होते हैं वो यहाँ पर दिखते हैं। उसके बाद तुम और नीचे जाओगे तो तुम्हें दिखेगा रिवीजन सीरीज़ फॉर जेई मेन एंड जेई एडवांस। तो अगर तुम जेई की तैयारी करते हो तो तुम यहाँ पे आके आराम से रिवीजन कर सकते हो। यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं जेई एडवांस के, जेई मेन्स के। उसके साथ साथ बहुत सारे सिंगल क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं जिसमें सारे कॉन्सेप्ट भी बताए गए हैं लेट्स क्रैक जेई मेन में एंड चॉकलेट प्रॉब्लम फॉर जेई एडवांस में। उसके और नीचे जाओगे तो तुम्हें दिखेगा फाउंडेशन बिल्डर कोर्स फॉर आईआईटी जेई क्लास 8th, 9th एंड 10th। यहाँ पे जैसे ही पहला वाला वीडियो तुम चेक करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कौन कौन सा चैप्टर यहाँ पे कवर होने वाला है। सारे चैप्टर्स का तुम्हें प्लेलिस्ट मिलने वाला है। सारे चैप्टर्स में ऑलरेडी बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। तो बेसिकली ये जो फाउंडेशन बिल्डर कोर्स डिज़ाइन किया गया है इसमें मेनली वो सारे चैप्टर्स कवर करे जाएंगे जो कि क्लास 9th एंड 10th में पढ़ने होते हैं। उसके साथ ही साथ जो चैप्टर जो जेई एडवांस या जेई मेंस में पढ़ने होते हैं हमें, वो सारे चैप्टर भी कवर होंगे। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा बेस बनता जाएगा जेई के लिए। तो चलो इतना के बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग। टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेपी। तो सबसे पहले यार हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेपी को देखते हैं। हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एपी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सेम टू सेम सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ होंगे, बस थोड़ा बहुत चेंज आएगा। देखना प्रॉपर्टी नंबर वन, सबसे पहला बेसिक प्रॉपर्टी कि अगर भैया मेरे पास A1 एक नंबर है, दूसरा A2, तीसरा A3, चौथा A4 एंड इसी तरीके से ये चलता जा रहा है कहाँ तक, N तक। तो बेसिकली मेरे पास कितने नंबर हैं, N नंबर्स हैं, वो सारे के सारे कहाँ हैं, GP में हैं, आर इन GP। तो बताओ भाई एक सीरीज गिवन है जिसमें सारे के सारे नंबर्स GP में हैं, देन बेसिकली अगर ये GP में है तो एक्चुअल में GP में क्यों है। तो तुम बोलोगे कि सर ये GP में है, दिस मीन्स जरूर ऐसा रहा होगा A2 अपॉन A1 की जो वैल्यू है ना सर, वो जरूर A3 अपॉन A2 के बराबर रहा होगा, वो जरूर A4 अपॉन A3 के बराबर रहा होगा, वो जरूर A5 अपॉन A4 के बराबर रहा होगा एंड वो जरूर AN अपॉन AN-1 के बराबर रहा होगा। अच्छा ये जो रेशियो हमारा ये बराबर है ये एक्चुअल में है क्या? तो तुम बोलोगे सर इसी को तो कॉमन रेशियो बोलते हैं, कॉमन रेशियो। तो देखो भैया सबसे पहला प्रॉपर्टी तो बहुत ही इजी था, ये तो वही चीज़ लिख दिया जिससे GP डिफाइन किया था हमने कि भाई रेशियो ऑफ टू कंजिकेटिव टर्म्स विल ऑलवेज बी कॉन्स्टेंट। अगर ये होगा तभी तो वो GP कहलाएगा, उसी को हमने प्रॉपर्टी वन बना के लिख दिया। ओके अभी प्रॉपर्टी नंबर टू। प्रॉपर्टी नंबर टू में बहुत ही सिंपल, अगर मेरे पास तीन ही नंबर है A, B and C और वो GP में है, दिस मीन्स व्हाट? अगर तीन ही नंबर है GP में है तो कुछ खास बात थोड़ी ना होगा। तुम बोलोगे सर B upon A जरूर C upon B रहा होगा इसीलिए GP में है। ओके B upon A is equal to C upon B रहा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो यू विल गेट B square is equal to AC। ये कंडीशन तुम्हें रट्टा मारना है, ठीक है, कि अगर भैया तीन नंबर से और वो तीनों GP में है, दिस मीन्स B square is equal to AC होने वाला है। इसका वाई से वर्षा भी ट्रू है कि अगर मुझे तीन नंबर्स मिल गए कहीं पे, सपोज Y square is equal to XZ कहीं लिखा हुआ मिल गया, इससे मैं XYZ पे क्या कमेंट कर सकता हूँ, इससे मैं XYZ पे ये कमेंट कर सकता हूँ कि X, Y, Z आर इन GP। इसलिए इसको याद रखने बोला जाता है कि अगर तुम्हें ये दिखा तो तुम ये कंक्लूड करोगे, तुम्हें ये दिखा तो तुम ये कंक्लूड करोगे, ठीक है। तो अगर तीन नंबर GP में है तो B square is equal to AC होने वाला है, ABC अगर GP में है तो B square is equal to AC होने वाला है। बस बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी नंबर टू फिनिश हो गया। आगे देखो भैया प्रॉपर्टी नंबर थ्री। प्रॉपर्टी नंबर थ्री में क्या है कि हमने जब AP पढ़ा था तो AP में हमने देखा था फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का जो सम होता है वो एग्जैक्टली सेकेंड टर्म एंड सेकेंड लास्ट टर्म का सम होता है,
वो एग्जैक्टली थर्ड टर्म एंड थर्ड लास्ट टर्म का सम होता है। उसी तरीके से यहाँ भी हम लोग लिखेंगे कि अगर ए वन कॉमा ए टू कॉमा ए थ्री कॉमा ए फोर कॉमा ए एन ये सारे के सारे जी पी में हैं तो यहाँ पे क्या होगा, सम तो इक्वल नहीं होगा लेकिन प्रोडक्ट इक्वल होने वाला है। मतलब ये कि पहले टर्म को आखिरी टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, ए वन इंटू ए एन निकाल लो, वो एग्जैक्टली पता है किसके बराबर होगा, ए टू इंटू ए एन माइनस वन के बराबर। आगे से दूसरा टर्म, पीछे से सेकेंड लास्ट टर्म। आगे से अगर तीसरा टर्म उठाया तो पीछे से कौन सा उठाओगे, थर्ड लास्ट टर्म। अच्छा आगे से चौथा टर्म उठाया मैंने तो पीछे से कौन सा उठाऊंगा, फोर्थ लास्ट टर्म। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये सबस्क्रिप्ट को देखो, याद करने का तरीका, वन है एन है, दोनों का सम कितना आ रहा है एन प्लस वन। यहाँ पे टू है तो यहाँ एन माइनस वन है, दोनों का सम कितना आ रहा है एन प्लस वन। यहाँ पे थ्री है तो यहाँ पे एन माइनस टू है, तो दोनों का सम कितना आ रहा है एन प्लस वन। फोर है तो एन माइनस थ्री है, दोनों का सम कितना आ रहा है एन प्लस वन। अच्छा अगर मैं तुमसे पूछूँ कि अगर मैं इधर ए इलेवन लेना चाहता हूँ तो पीछे से मैं कौन सा लूँगा, पीछे से जो इलेवेंथ टर्म होगा वो कौन सा होगा, एन माइनस टेन होगा, ठीक है, सिंपल। उसी तरीके से आगे से मैं अगर ए फिफ्टीन उठा लूँ तो पीछे से क्या उठाऊँगा, ए एन माइनस फोर्टीन। आगे से मैं ए सेवनटीन उठा लूँ तो पीछे से क्या उठाऊँगा, ए एन माइनस सिक्सटीन। और इसी तरीके से ये प्रोडक्ट चलता जाएगा। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता है तुम प्रोडक्ट निकाल के देख लो कैसे। तुम बोलो भाई जनरल जीपी मानो ए ए आर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, उसी तरीके से ए आर टू दी पावर फोर ए आर टू दी पावर फाइव ए आर टू दी पावर सिक्स ए आर टू दी पावर सेवन, ऐसे ही रख दिया, ठीक है। तो इसमें कितने टर्म्स हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, टोटल इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, ये एग्जाम्पल के थ्रू है। तो ये हमारा जनरल जीपी दिख रहा है हमें, ओके। टोटल कितने टर्म्स हैं, एट टर्म्स हैं। दिस मीन्स पहला टर्म एंड इसको मल्टीप्लाई करो, ए इंटू ए आर टू दी पावर सेवन इज बेसिकली ए स्क्वायर इंटू आर टू दी पावर सेवन, ओके। अब ए आर इंटू ए आर टू दी पावर सिक्स करो, ये भी ए स्क्वायर इंटू आर टू दी पावर सेवन आएगा। उसी तरीके से इधर से ए आर स्क्वायर उठाया तो इधर से ए आर टू दी पावर फाइव उठाओगे, मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा। उसी तरीके से ए आर क्यूब उठाओ, इसको मल्टीप्लाई करो, एग्जैक्टली सेम आएगा, वही चीज़ ऊपर बताया गया था। अब बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होगा, सर यहाँ पे इवन नंबर्स ऑफ टर्म्स थे इसीलिए तो सारे के सारे पेयर्स बन गए, अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स नहीं होते, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होते तो क्या पेयर बन पाता, बन पाएगा, देखना। पेयर तो नहीं बनेगा लेकिन कैसा हो जाएगा देखना। पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म ए आर है, तीसरा टर्म ए आर स्क्वायर है, चौथा टर्म ए आर क्यूब है, पांचवा टर्म ए आर टू दी पावर फोर है, पांच ही टर्म है ना, हाँ ठीक है। तो तुम देखोगे ए इंटू ए आर टू दी पावर फोर एग्जैक्टली बराबर होगा ए आर इंटू ए आर क्यूब के बराबर, इज इक्वल टू इसका पेयर इसके साथ लगा, इसका पेयर इसके साथ लगा, ये तो अकेला बच गया आप क्या। तो याद करो एपी में जो अकेला बच गया था उसको दो बार ऐड किया था, तो यहाँ पे अकेला बच गया तो ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दो। कैसे कैसे कैसे, क्योंकि भैया ये नंबर, ये नंबर और ये नंबर, ये तीनों के तीनों किस में हैं, तुम बोलोगे जीपी में है, इसका मतलब बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। ऊपर ही तो बताया कि अगर तीन नंबर जीपी में होंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी होगा, हाँ। दिस मीन्स इसका स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इंटू दिस होना चाहिए, तो दिस इंटू दिस इज इक्वल टू इसका स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ से काम निकल गया अपना। तो ये भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ लिया, ठीक है। अच्छा प्रॉपर्टी नंबर फोर पे आते हैं फिर। प्रॉपर्टी नंबर फोर देखना भाई, प्रॉपर्टी नंबर फोर को वहाँ पे मैंने बोला था कि अगर दो एपी गिवन है, दो अलग अलग एपी गिवन है एंड उन दोनों एपी को ऐड कर दो, उन दोनों एपी को सारे टर्म्स को इंडिविजुअली ऐड कर दो, पहले टर्म को पहले टर्म के साथ, दूसरे टर्म को दूसरे टर्म के साथ, तीसरे टर्म को तीसरे टर्म के साथ, तो वो जो एक नया सीरीज आएगा वो किस में होगा। तो जवाब आया था सर वो भी एपी में ही रहेगा, सही बात है। यहाँ पे जीपी में ऐड करने से तो नहीं आएगा, लेकिन दो जीपी गिवन अगर एंड सारे टर्म्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो जो नया सीरीज आएगा वो भी जीपी में रहेगा। मतलब सपोज मेरे पास एक जीपी वन है, वो है ए ए आर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर टू दी पावर फोर लाइक दिस। एक और जीपी है जीपी टू, वो है कैपिटल ए
कैपिटल ए कैपिटल आर, कैपिटल ए कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल ए कैपिटल आर क्यूब, कैपिटल ए कैपिटल आर टू द पावर फोर एंड लाइक दिस। अब मैंने क्या किया, टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, जी पी वन एंड जी पी टू के टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, तो ए इंटू ए आया, वहाँ से ए इंटू आर इंटू आर आया, फिर ए इंटू आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर आया, फिर ए इंटू आर क्यूब आया, एंड लाइक दिस चलता गया। अब तुमसे कोई पूछे भैया जो ये न्यू सीरीज आया वो क्या है, तुम बोलोगे सर ये भी जी पी है। अच्छा ये जो न्यू सीरीज है इस जी पी का फर्स्ट टर्म कितना है, तुम बोलोगे वही ए इंटू ए है। अच्छा इस जी पी का कॉमन रेशियो कितना है, तुम बोलोगे आर इंटू आर है, सिंपल। ठीक है ओके, ये फंडा था। प्रॉपर्टी नंबर फाइव पे आते हैं फिर। प्रॉपर्टी नंबर फाइव क्या बोलता है देखना। प्रॉपर्टी नंबर फाइव, वहाँ पे जैसे मैंने बोला था कि तीन टर्म अगर एज्यूम करना हो, तीन टर्म एज्यूम करना हो कोई एपी में है, तो मैंने बताया था कि ऐसे जनरल एज्यूम करोगे ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी, फिर भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर तुम ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी इस पैटर्न में करोगे तो तुम्हारा आंसर जल्दी आएगा। ठीक है, तो बेसिकली वही फंडा यहाँ पे भी अपनाने वाले हैं हम लोग कि थ्री टर्म्स इन जीपी, अगर मुझे तीन टर्म्स लेने हैं जीपी में क्या होगा। तो देखो एक तरीका तो होगा ए एआर एआर स्क्वायर, मान लो बच्चे कोई गलत नहीं होगा, मैं मोस्टली यही मान के चलता हूँ और आंसर सही आता है। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, ए लो आगे ए आर पीछे ए अपन आर, ये तीन टर्म एज्यूम कर लो और आसान हो जाएगा क्वेश्चन। ओके अगर फोर टर्म एज्यूम करना हो तो, फोर टर्म्स इन जी पी एज्यूम करना हो कभी तो एज्यूम करना है तो एक तो ए ए आर ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब एज्यूम करो, या फिर देखो यार ए आर उठाओ ए अपॉन आर उठाओ, अगला ए आर क्यूब उठा लो ए अपॉन आर क्यूब उठा लो। ठीक है, ये जी पी उठा लो, मतलब बेसिकली इसी पैटर्न में फॉलो करो। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स उठाने तो इसके आगे कॉमन रेशियो आर से देख लो, आगे पीछे दोनों तरफ एक एक बढ़ाते चलो, एंड अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स उठाने तो कॉमन रेशियो आर स्क्वायर से उठा लो। ठीक है, आराम से उठा लो, आंसर आ जाएगा। ओके तो मोटा मोटी जितने भी प्रॉपर्टीज थे और जितने फॉर्मूले थे जीपी में, हमने सारे के सारे प्रॉपर्टीज एंड फार्मूले कवर कर लिए। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, सारी प्रॉपर्टीज तो लिखे हुए हैं, फार्मूला भी याद दिला देता हूँ कि एन एच टर्म ऑफ जीपी क्या होता था, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन होता था, जहाँ पे ए फर्स्ट टर्म आर कॉमन रेशियो। उसी तरीके सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी क्या होता था, तुम बोलोगे ए इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन डिवाइड बाय वन माइनस आर होता था। ठीक है, अच्छा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म क्या होता था, तुम बोलोगे ए डिवाइड बाय वन माइनस आर। तो ये तीन फॉर्मूले हमने पहले ही पढ़ रखे थे, उसके बाद हमने कुछ एक प्रॉपर्टीज़ पढ़े जो प्रॉपर्टीज़ हमें ऑलरेडी आते थे, बस उसको एक बार फॉर्मेलिटी के लिए लिख लिया। अब इस पे बेस्ड कुछ कुछ क्वेश्चंस करने वाले हम लोग। तो लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था कि समेशन निकालो भैया, एस इज इक्वल टू नाइन प्लस नाइन्टी नाइन प्लस नाइन 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 प्लस नाइन 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 प्लस लाइक दिस टिल एन टर्म्स, मैंने बोला था शायद हाँ। तो इस सीरीज में कैसे सब निकाला था, तो हमने बोला था ये तो बहुत इजी है, 10 माइनस वन लिखो, अगले वाले को 10 स्क्वायर माइनस वन लिखो, अगले वाले को 10 क्यूब माइनस वन लिखो, अगले वाले को 10 टू द पावर 4 माइनस वन लिखो, एंड लाइक दिस टिल एन टर्म्स चलो। तो ये आ जाएगा 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस 10 टू द पावर 4 प्लस लाइक दिस एन टर्म्स माइनस 1 1 1 1 1 कितनी बार 1 1 1 1 1 कितनी बार 1 एन टाइम्स। ओके तो अल्टीमेटली ऐसा आ गया था ए इंटू वन माइनस आर टू दी पावर एन डिवाइड बाय वन माइनस आर माइनस ये एन आ जाएगा, तो यहाँ से आंसर आ गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने लास्ट में किया था, लास्ट क्लास में। अब देखो इसी चीज पे बेस्ड बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, तो देखना कैसे आते हैं क्वेश्चन। बस तुम्हें बोला गया सम निकालो, सेवन प्लस या फिर वन प्लस इलेवन प्लस वन 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 प्लस वन 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 प्लस लाइक दिस। ठीक है, कितने टर्म्स,
एन टर्म्स, एन टर्म्स इसलिए रहा हूँ क्योंकि अगर 100 टर्म्स पूछ दे 100 टर्म्स निकाल लेना, 50 पूछ दे तो 50 तक निकाल लेना, 20 पूछ दे तो 20 तक निकाल लेना, मैं डायरेक्टली एन टर्म्स निकाल दे रहा हूँ। इनफाइनाइट टर्म नहीं निकलेगा क्या? नहीं भाई, ये सीरीज कन्वर्स थोड़ी ना हो रहा है जो इनफाइनाइट टर्म निकल जाएगा। इस सीरीज में तो वैल्यू बढ़ते जा रहे हैं, तो अगर इनफाइनाइट टर्म का सम निकालने जाऊंगा तो वो तो इन्फिनिटी आ जाएगा। सही बात है, इसीलिए इनफाइनाइट टर्म का सम नहीं निकाला हमने। ओके, तो इस सम को देखो भैया कैसे करेंगे, बताओ बताओ कैसे करेंगे। तो हम लोग बोलेंगे, बहुत बच्चे ऐसा बोल सकते हैं सर 11 को लिख दो 10 प्लस 1। नहीं यार, ये फंडा नहीं चलेगा, क्योंकि 11 को 10 प्लस 1 लिख दिया ठीक है, फिर बाकी 111 क्या लिखेंगे? 110 प्लस 1 नहीं ना, 10 एंड 110 कुछ जीपीयूपी में नहीं आएगा ठीक है, तो ऐसा फंडा नहीं। तो याद रखना 999 होता है ना, लिखना बहुत आसान होता है, 999 होता है ना, लिखना बहुत आसान होता है, 111 होता है तो नहीं लिख पाएंगे। तो हम लोग ट्राई करेंगे इस 11 को 9 में कन्वर्ट करते, कैसे करेंगे कैसे करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो और क्या। मतलब ये कि मैंने सारे टर्म्स को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 इंटू 9 9, 11 इंटू 9 99, ये 999, ये 9999, लाइक दिस एन टर्म्स। ओके, जब सारे टर्म्स को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 से सारे टर्म्स को डिवाइड भी करना पड़ेगा, हाँ तभी तो वो एग्जैक्टली सेम आएगा, है ना। जैसे कुछ 5 था, इसको मैंने 25 बना दिया 5 से मल्टीप्लाई करके, तो 5 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना, तभी तो वो 5 के बराबर आएगा। हाँ, तो वही हमने क्या 9 से डिवाइड भी कर दिया, क्योंकि 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब बेसिकली अगर एक नंबर लिखा हुआ है उसमें 9 मल्टीप्लाई किया तो 9 डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। ओके, तो अब तुम बोलोगे सर ये तो बहुत आसान हो गया, अब 1/9 इंटू पिछला वाला आंसर। हाँ, पिछला वाला आंसर 10, 1-10 टू द पावर n डिवाइड बाई 1-10 माइनस n, ये आंसर। अच्छा, ये याद रखना है क्या? नहीं, याद नहीं रखना है, तो क्या करना है, बार बार एग्जाम में सॉल्व कर लेना है, ठीक है। ऐसे याद रखने के लिए इतना चीज़ है, ये क्यों याद रखे फालतू का इतना लंबा, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ना हमें, ये तो सॉल्व करने आ ही गया लास्ट ऊपर तुरंत सॉल्व किया हमने, तो ये सॉल्व कर लेंगे ठीक है। ओके, मतलब इसी पैटर्न पे बेस्ड था ये क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अब सपोज सम बोला गया है, सम 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 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस 7777 प्लस चलता जाएगा कब तक जाएगा, एंड टर्म्स तक। ये सब निकालो, फिर से कोई फंडा काम नहीं करेगा, 7 कॉमन दिख रहा होगा तुम्हें, लेकिन तुम बोलोगे यार 7 पूरा सब में कॉमन है, ये तो आ गया 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111। अरे ये तो पिछला वाला क्वेश्चन है, हाँ, और पिछला वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करने आता है, सब में 9 से मल्टीप्लाई करो तो 9 से डिवाइड भी करो, 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 9999 प्लस 99999 प्लस लाइक दिस एन टर्म्स। हाँ, अब इसको यार सॉल्व करने आता है हमें, सॉल्व कर लेना एंड अल्टीमेटली रिजल्ट आ जाएगा 10 इंटू 1-10 टू दी पावर एन डिवाइड बाई 1-10 माइनस एन, ये अल्टीमेट आंसर हो जाएगा ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुतों बार आ चुके हैं जेई में, जेई मेंस में, या फिर उससे रिलेटेड जो भी इंजीनियरिंग एग्जाम्स होते हैं सब में। ओके, एक और क्वेश्चन, जीरो पॉइंट फाइव प्लस 0.05 प्लस 0.005 प्लस 0.0005 लाइक दिस, ठीक है, एंड इस बार भी एन टर्म्स। ओके, इस बार तो अलग है क्वेश्चन, है ना, इस बार तो अलग है, रुको, इसमें एन टर्म से अच्छा इनफाइनाइट टर्म भी ले सकते हैं ठीक है, ताकि थोड़ा कैलकुलेशन इजी पड़ जाए बस। ओके, तो यार ये तो डायरेक्ट जीपी दिख रहा है, कैसे
डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 10 चल रहा है। हाँ तो जीपी का सम लगा दो डायरेक्टली, इनफाइनाइट जीपी का। तो ये तो हो गया ए डिवाइड बाय 1 माइनस आर, आर कितना होगा 1 बाय 10, तो अल्टीमेटली आ गया 0.5 डिवाइड 10 माइनस 1 9 बाय 10, तो ये आ गया 5 बाय 9। ये तो एक लाइन का क्वेश्चन हो गया यार, कुछ अच्छा क्वेश्चन करो। 0.5 प्लस 0.55 प्लस 0.555 प्लस 0.5555 लाइक दिस एन टर्म्स। इस बार देखते हैं कुछ कुछ अच्छा बनाया देनी। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें, ठीक है? तो सबसे पहले दिमाग में आ गया यार ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस 0.0.0 लगा दिया, 7 7 वाला क्वेश्चन है। हाँ तो 5 कॉमन निकाल लिया जोश जोश में, ठीक है। 0.1 बचा, 0.11 बचा, 0.111 बचा, 0.1111 बचा लाइक दिस एन टर्म्स। तो यहाँ से एस इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय, अब इस 0.1 को 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड, तो 0.9 बचा, 0.99 बचा, 0.999 बचा, 0.9999 बचा लाइक दिस कितने टर्म्स, एन टर्म्स। ओके सबका एक ही टाइप का क्वेश्चन है। हाँ 5 बाय 9, अब देखो 0.9 को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 0.1 डेट इज 10 टू द पावर माइनस 1, प्लस इसको लिख सकते हो 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस 2, 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस 3, 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस 4 एंड लाइक दिस टिल एन टर्म्स। तो यहाँ से s इज इक्वल टू आ गया 5 बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 1 1 कितनी बार ऐड हो रहा है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस लाइक दिस एन टर्म्स। माइनस सब में कॉमन, ब्रैकेट के अंदर गया 10 टू द पावर माइनस 1 प्लस 10 टू द पावर माइनस 2 प्लस 10 टू द पावर माइनस 3 प्लस 10 टू द पावर माइनस 4 एंड लाइक दिस कितने टर्म्स, एन टर्म्स। अब मुझे दिख रहा होगा सब कुछ, हाँ ये तो 5 बाय 9 है, ये तो n है, माइनस यहाँ पे a इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस आर, ये अल्टीमेटली आंसर आ गया, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है, आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। अगला सवाल, क्वेश्चन है s इज इक्वल टू, फिर से सब निकाल रहे हैं, 1 बाय 2 प्लस 3 बाय 4 प्लस 7 बाय 8 प्लस 15 बाय 16 प्लस 31 बाय 32 प्लस दिस दिस दिस, फिर से एन टर्म्स, एन टर्म्स तक इसका सम निकालना है भैया। अब ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है, थोड़ा सा सोचना। तो तुम्हें दिख रहा होगा सर ये तो जीपी में था लेकिन ऊपर वाला गड़बड़ कर रहा है सब कुछ, कैसे 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8 8 इंटू 2 16 16 इंटू 2 32। तो बेसिकली डेनोमिनेटर देख के लग रहा है ना सर ये जीपी में होगा, लेकिन डेनोमिनेटर देख के ना सब जगह ऊपर न्यूमरेटर में वन होता, तब तो ऊपर न्यूमरेटर वन होता तब तो मज़ा ही आ जाता, ये तो ईजी वाला जीपी हो जाता, डायरेक्टली फार्मूला लगा देते। हाँ लेकिन ऊपर वाले नंबर में एक और खास बात सर मुझे दिख रहा है कि जो भी डेनोमिनेटर है ना उस डेनोमिनेटर के ऊपर जो नंबर है ना वो उससे एक ही कम है, मतलब लाइक नीचे 2 है तो ऊपर 1 है, नीचे 4 है तो ऊपर 3 है, नीचे 8 है तो ऊपर 7 है, नीचे 16 है तो ऊपर 15 है, नीचे 32 है तो ऊपर 31 है। अच्छा तो यार देखो 3 बाय 4 को 1 माइनस 1 बाय 4 लिख सकते हैं, हाँ 7 बाय 8 को 1 माइनस 1 बाय 8 लिख सकते हैं, हाँ अच्छा 15 बाय 16 को 1 माइनस 1 बाय 16 लिख सकते हैं, हाँ उसी तरीके से 31 बाय 32 को 1 माइनस 1 अपॉन 32 लिख सकते हैं, हाँ तो हो गया ना काम खल्लाश। क्या खल्लाश, देखो भैया 1 बाय 2 को लिख दिया 1 माइनस 1 बाय 2 एंड 3 बाय 4 को लिख दिया 1 माइनस 1 बाय 4, 7 बाय 8 को लिख दिया 1 माइनस 1 बाय 8, 15 बाय 16 को लिख दिया 1 माइनस 1 बाय 16
एंड इसको लिख दिया 1/32, एंड इसी तरीके से कब तक लिखते रहेंगे, एंड टर्म्स तक लिखते रहेंगे। अच्छा तो यहाँ से 1 + 1 + 1 सारे 1 को एक साथ रख लिया, कितने 1 होंगे? तुम बोलोगे यार ये तो अब तो बहुत इजी हो गया मेरे लिए, एंड टर्म्स होंगे। अच्छा उसके बाद सब में माइनस कॉमन, एंड ब्रैकेट के अंदर 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 लाइक दिस, कितने टर्म्स तक? एंड टर्म्स तक। ओके अब हो गया आसान, ये तो एन होता है एंड वो जो ब्रैकेट में लिखा हुआ तो जी पी है, ए इंटू 1 - r^n / 1 - r, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन ये आंसर आ गया, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझने से मतलब है आंसर आ चुका है हमारा। ओके एक और अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे हम लोग, देखना क्वेश्चन है, बोला गया द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, ठीक है। द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 5, ओके, एंड एवरी टर्म इज 3 टाइम्स द सम ऑफ ऑल द टर्म्स दैट फॉलोज इट, देन फाइंड द जीपी। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन आराम से पढ़ो और समझने की कोशिश करो पहले तो, कि भैया क्या है ये, देखो भैया क्या है, देखो पहले कि सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज 5, ठीक है। कोई एक इनफाइनाइट जीपी लिखा हुआ है, a, a r, a r square, a r cube, a r to the power 4 एंड लाइक दिस टिल इन्फिनिटी। तो बोला गया सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ ए जीपी, मतलब a प्लस ए आर पहला दो टर्म का सम 5 है। तो यहाँ से एक रिलेशन वी हैव गॉट, a इंटू 1 + r = 5, ठीक है। एंड बोला गया एवरी टर्म इज 3 टाइम्स द सम ऑफ ऑल द टर्म्स दैट फॉलोज दैट नंबर। मतलब एवरी टर्म का मतलब क्या है कि भाई कोई भी टर्म उठा लो, कोई भी टर्म उठा लो, लाइक तुमने सपोज उठा लिया फर्स्ट टर्म, तो बोला फर्स्ट टर्म जो है ना, फर्स्ट टर्म वो 3 टाइम्स है सम ऑफ ऑल द टर्म्स दैट फॉलोज इट, मतलब इसके बाद जितने भी टर्म्स होंगे ना सबका सम के बराबर। मतलब ये जो पहला टर्म है वो 3 टाइम्स ये सबके सम के बराबर। इसी तरीके से कोई बोलेगा मैं दूसरा टर्म उठाऊंगा, तो ले उठा लो, दूसरा टर्म जो होगा ना वो होगा 3 टाइम्स दूसरे टर्म के बाद जितने नंबर है उन सब के सम के बराबर। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या बोला जा रहा है? ओके तो कर देते हैं, कोई भी एक ही लगा दो ना, कुछ भी वो बोल रहा है लेकिन एक कॉन्सेप्ट लगा दिया, काम खत्म। तो मैंने बोला यार पहला टर्म से ज़्यादा आसान होगा, मतलब पहला टर्म उसने बोला इज 3 टाइम्स द सम ऑफ ऑल द टर्म्स, That follows it till infinity. तो ये तो एक अलग से इनफाइनाइट जीपी है जिसका कॉमन रेशियो आर है, हाँ। तो a इज इक्वल टू 3 टाइम्स a डिवाइड बाई 1 - r, ओके। तो यहाँ से a से a कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1 - r = 3r। तो यहाँ से डायरेक्टली वी कैन से कि 4r = 1 और दिस इम्प्लाइज r = 1/4, हाँ। अब कॉमन रेशियो अगर 1/4 आ गया एंड मुझे पता है a इंटू 1 + r = 5 है, तो a इंटू 1 + 1/4 = 5, तो a इंटू 5/4 = 5, दिस इम्प्लाइज a = 4। अच्छा पहला टर्म पता चल गया, कॉमन रेशियो पता चल गया, gp आ गया, 4 * 4 * 1/4 + 4 * 1/4 2 + 4 * 1/4 3
लाइक दिस, ये जीपी चल रहा होगा, आंसर आ गया अपना। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी से हो गया। ओके, एक और सवाल करेंगे हम लोग कि क्वेश्चन है, तुम्हें फिर से सम ही निकालना है। सम इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब मल्टीप्लाइड बाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एंड लाइक दिस टिल एंड टर्म्स। ये अब एक्स वाई में सम दिया हुआ है, कोई बात नहीं, दिया हुआ है तो निकाल लेंगे, क्वेश्चन ही है, सॉल्व तो होना ही है, हो जाएगा सॉल्व। देखो, एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस लाइक दिस, क्या ये सब जीपी में है? नहीं है। क्या एपी में है? नहीं है। जब एपी जीपी कुछ भी नहीं है तो डायरेक्टली ब्रैकेट रखने से मेरा कोई फायदा हो रहा है क्या? नहीं। तो मैं सबसे पहले क्या सोचूंगा? यही कि ब्रैकेट ओपन कर दो। ब्रैकेट जैसे ही ओपन करूंगा, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स इंटू वाई एक्स वाई, एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स टू द पावर 6 एक्स क्यूब वाई क्यूब, लाइक दिस टिल एंड टर्म्स। अब मुझे कुछ दिखा, क्या दिखा? मैं बोलूँगा ये एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 6 लाइक दिस, ये जितने भी टर्म्स हैं सबको एक साथ रख लिया, प्लस एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक्स वाई का होल स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब को एक्स वाई का होल क्यूब, लाइक दिस टिल एंड टर्म्स, इनको अलग से रख लिया। अब ये दोनों तो अलग अलग जीपी है, हाँ तो हो गया ना जीपी का फॉर्मूला लग गया, ए इंटू वन माइनस कॉमन रेशियो कितना है देखो, एक्स टू द पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन रेशियो तो एक्स स्क्वायर पे पावर एन डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी ये भी जीपी है, इसका कॉमन रेशियो कितना है देख लो, एक्स वाई है, कॉमन रेशियो पता है, फर्स्ट टर्म पता है, ए इंटू वन माइनस आर टू द पावर एन डिवाइड बाय 1 माइनस आर। तो ये हमारा अल्टीमेटली आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं और होता जा रहा है। तो बेसिकली तुम्हें अगर जीपी के बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, तुम बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम लोग, जीपी एपी एंड एचपी पे मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहले एचपी पढ़ेंगे, हमने एपी ऑलरेडी पढ़ रखा है, जीपी हमने पढ़ लिया, उसके बाद हम लोग एचपी पढ़ेंगे, एंड जब एपी जीपी एचपी तीनों कवर हो जाएगा तो उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो तीनों पे बेस्ड होते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मचाते रहो, ऑल द बेस्ट।